क्या बात है मिनाल, परेशान लग रही हो? अफान को फोन कर रही हूँ, बदतमीज मेरा फोन नहीं उठा रहा। क्यों, झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फोन तो उठाना चाहिए ना, कोई बात हुई है मुझे बताओ। दरअसल जमीर, वो अफान का माँ से झगड़ा हुआ है। अफान और आंटी का झगड़ा हुआ है, क्यों, दरअसल क्या हुआ बिनाल, बताओ। तुम प्लीज माँ को गलत मत समझना, वो जो करना चाहती हैं, जो सोच रही हैं, हमेशा ही थोड़ा सा वियर्ड लगे, मगर क्या करना चाह रही है आंटी, बताओ। जमीर, वो माँ शादी करना चाहती हैं, इसलिए अफान और उनका झगड़ा हुआ था। What? शादी? आंटी शादी करना चाहती हैं? किससे? इब्तिसाम अंकल ने प्रपोज किया था। वो जो ठरकी संगल तुम्हारे घर आया है वो? हाँ, वो ही। चलो शुक्र है, मुझे तो लगा आंटी वो जो उनका दोस्त है उससे शादी करने वाली। अरे भाई, तुम क्या कह रहे हो? कर भी सकती हैं, उन्हें कौन मना करेगा, कौन रोकेगा? वैसे बहुत अजीब सा डिसीजन लिया है आंटी ने। तुम्हें बुरा लग रहा है? मिनाल, मेरे बुरा लगने से क्या होगा, असल प्रॉब्लम तुम्हें और अफान को होगी, मुझे तो तुम्हारी और अफान की फिक्र हो रही है। माँ तुम्हें भी बेटा समझती हैं। तुम्हें पता है मेरी फैमिली में क्या होगा इसके बाद, अजीज भाई बहनें सब लोग गॉसिप करेंगे उनके बारे में। मुझे लगा तुम माँ को सपोर्ट करोगे, वो कोई गलत बात तो नहीं कर रही, शादी करना चाहती हैं। यार मेरे सपोर्ट करने से क्या होगा, इस बात से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जो लोग बातें करेंगे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ। लोग जो भी कहें, मैं तो माँ को सपोर्ट करूंगी, का पूरा हक है अपनी जिंदगी जीने का। हाँ ठीक है, कर लो सपोर्ट, लेकिन लोगों की बातें सुनने के लिए भी रेडी रहना। अफान मान जाएगा? कभी नहीं मानेगा। तो जब उनको पता है कि अफान सपोर्ट नहीं करेगा, तो आंटी को भी फिक्र नहीं अपने बेटे की नाराजगी की? हर बार माँ को क्यों बच्चे की नाराजगी की फिक्र करनी चाहिए, कभी बच्चे भी माँ की नाराजगी की फिक्र कर लें। माँ ये भी तो देखेंगे वो करने क्या जा रही है। प्लीज जमीर, तुम भी अपसेट कर रहे हो। मिनाल मैं सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आंटी ने शादी की तो तुम ज्यादा अपसेट होगी। वैसे वो अंकल मुझे नहायत ही फजूल और छिछोरे लगते हैं, बाकी आंटी की मर्जी। तुम अफान को समझाओ जमीर, वो तुम्हारी बात मानता है। मैं क्या समझाऊं उसको, कोई अच्छी बात है ये, और वैसे भी इस एज में दूसरी शादी? नो वे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें।